अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं फहद और आप देख रहे हैं SCDP प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि इस टाइम रियल इस्टेट के अंदर कोई एसेट बनाना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि हम एक ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो कि कमिंग 2 से 4 ईयर्स के अंदर उनको बहुत ज़्यादा पे बैक करें, जिसमें उनको बहुत अच्छा ROI मिले। अभी इस टाइम मैं बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर मौजूद हूँ और आप सबको ये आइडिया होगा कि इस टाइम लाहौर के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इन तमाम तर सोसाइटीज़ के अंदर बैरिया ऑर्चर्ड एक बड़ी खूबसूरत और एक बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी है। बहुत से लोग बैरिया ऑर्चर्ड में घर बनाना चाहते हैं, उनका एक ड्रीम होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट करें। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास जो सेविंग्स हैं वो कोई इस तरह की प्रॉपर्टी बना लें जो कि कल को उनके बच्चे के काम आए, उनके फैमिली के काम आए। तो फाइनली बैरिया के अंदर, बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से पहली दफ़ा एक बहुत बड़ी अटेंशन आने जा रही है जो कि मेरी बैक साइड के ऊपर है। ये आप जो एक राउंड अबाउट देख रहे हैं कि लाहौर का सबसे बड़ा राउंड अबाउट है और यहाँ पे बैरिया डेंजू पार्क बना रहा है। डेंजू पार्क इससे पहले बैरिया ने बैरिया टाउन कराची के अंदर बनाया था और वो बैरिया टाउन कराची की एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग आउटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे बैरिया टाउन कराची के भी रेस्टोरेंट्स जाते हैं। इसके अलावा कराची के बहुत सारे एरिया से लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, आउटिंग के लिए। तो सेम अब उससे भी बड़ा यहाँ पे डेंजू पार्क बनने जा रहा है कि ग्रैंड डेंजू पार्क होगा जो कि बैक साइड के ऊपर है। शायद आपको मशीनरी वगैरह भी नज़र आ रही हो कि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और इस चीज़ का तो आप सबको आइडिया होगा कि बैरिया की कितनी फास्ट डेवलपमेंट होती है। विद इन नो टाइम बैरिया ने इसको डेवलप कर देना है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जू भी बनने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स भी होंगे। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे प्ले एरियाज होंगे। तो आज आपके पास मौका है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये टाइम बैरिया की नहीं लाहौर की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मैं इसको कहूँगा ये वंस इन अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बिल्कुल फेसिंग अगर आप इस साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं और ये इस टाइम रेडी कमर्शियल प्लॉट्स हैं। व्यूअर्स, ये 1.5 मल्ला नहीं, 2 मल्ला नहीं, 3 मल्ला नहीं, 4 मल्ला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि रेडी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, डेवलप हैं, पोजेशनेबल हैं। आप इनको बाय कर सकते हैं और इस टाइम इनकी प्राइस बहुत कम है। जैसे ही बैरिया ने इस एरिया को डेवलप कर देना है, डेंसू पार्क को डेवलप कर देना है, उस टाइम के ऊपर इन प्लॉट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होंगी। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये काफ़ी महंगे प्लॉट्स हों, 2.5 करोड़ के, 3 करोड़ के या 4 करोड़ के कमर्शियल प्लॉट्स होंगे। अभी बैरिया ने इनको बड़ी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर लॉन्च किया है और आज की डेट में इस टाइम जस्ट आप 1.10 करोड़ रुपये से लेकर 1.40 करोड़ के अंदर एज पर लोकेशन अपना प्लॉट बाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए, अपनी रिटायरमेंट लाइफ के लिए एक बड़ा अच्छा एसेट बाय कर सकते हैं। और इस चीज़ का भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं ये कोई 40 फीट रोड के ऊपर नहीं आ रहे, 50 फीट रोड के ऊपर नहीं है, ये 120 फीट वाइड बहुत बड़ी वाइड मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। और ये जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं ये किसी ऐसे एरिया के अंदर नहीं है जहाँ पे भी कोई कंसेशन नहीं है, जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। आप ड्रोन वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि ये वो एरिया है जहाँ पे बैरिया की बहुत बड़ी आबादी रह रही है। ये बैरिया का जे ब्लॉक है, बैरिया का एच ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर बैरिया की एक बहुत बड़ी आबादी रह रही है और मजीद यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही है। लोग यहाँ पे अपना ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट कर रहे हैं, घर की फिनिशिंग कर रहे हैं और यहाँ पे मूव हो रहे हैं। इसके साथ साथ बैरिया के डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं, जैसे ही कमर्शियल अब डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे बिजनेसेस आ जाएंगे, यहाँ पे मार्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट तरह के ब्रांड्स आ जाएंगे। बैरिया ऑर्चर्ड के और इसकी सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पे आ रही होंगी शॉपिंग के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। बैरिया टाउन के अंदर जब बैरिया ने विंटर लैंड डेवलप किया था, उसको ऑपरेशन किया था, बैरिया कार्निवल बैरिया ने ऑपरेशन किया था, या अब जैसे वहाँ पे डॉल्फिन पूल पार्क बन रहा है, तो वहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट्स थे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर गई थी। तो वो उस अपॉर्चुनिटी को तो शायद आप नहीं अवेल कर सके, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस कर देंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। 1.10 करोड़ से लेकर 1.40 करोड़ के अंदर आज ये टाइम प्राइसेस हैं। ये आपको प्राइसेस 2 साल के बाद, 4 साल के बाद ये प्राइसेस नहीं मिलेंगी और इनके अंदर बहुत ज़्यादा गेन आ चुका होगा। इन कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से आपके माइंड में कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है या फिर अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो आप अभी हमारी हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0333-111-4300। लास्ट में मैं कहूँगा इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा, बाय करें और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें।